हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने वो क्वेश्चन लेके आई हूँ जो 2018 के परीक्षाओं में आ चुके हैं और ऐसे क्वेश्चन जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह मैं आपके सामने लेके आई हूँ। आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छे लगेंगे ये क्वेश्चन और इनको आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र कौन सा है? नंबर एक बम्बई अपतटीय क्षेत्र, नंबर दो कावेरी बेसिन, नंबर तीन असम क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो पूछ रहे हैं भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा खनिज, देखिए ये सभी ही आपके खनिज तेल क्षेत्र हैं, लेकिन ये पूछ रहे हैं आपसे कि सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र कौन सा है। तो सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र जो है वो आपका है बम्बई अपतटीय क्षेत्र। सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र जो है वो कौन सा है आपका? बम्बई अपतटीय क्षेत्र है। याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र कौन सा है? बम्बई अपतटीय क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो PDS आपने सुना होगा, कंट्रोल पे हमको सामान मिलता है, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो चलाई गई है सरकार के द्वारा, इसके लिए एक समिति बनाई गई थी, तो इस प्रणाली से संबंधित समिति कौन सी है? सुधानी समिति, मालेगांव समिति, अरविंद मोदी समिति, या वेणुगोपाल समिति? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित समिति है वेणुगोपाल समिति। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित समिति कौन सी है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित समिति है वेणुगोपाल समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में लावा निर्मित मैदानों में निम्नलिखित में से किस फसल की सर्वाधिक कृषि की जाती है? देखिए, लावा जो बनते हैं जब भूकंप आता है या ज्वालामुखी आता है, तो धरती से निकलता है पदार्थ, उसको लावा बोलते हैं। तो इन लावा से जो लावा जब पहले मैग्मा के रूप में, तरल पदार्थ के रूप में निकलता है और धीरे धीरे वो एक छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता जाता है और फिर वो टुकड़े महीन हो जाते हैं, तो इन टुकड़ों से क्या होता है कि इन टुकड़ों से मैदान बन जाता है। तो इन मैदानों में किस फसल की सर्वाधिक कृषि होती है? गेहूं की, चावल की, चना की, या कपास की? तो ये पूछ रहे हैं इन फसलों में किसकी होती है। तो जब ये इस प्रकार के जो मैदान बनते हैं तो वहाँ पर जो खेती होती है वो आपकी होती है कपास की। तो लावा निर्मित मैदानों में कहाँ किस फसल की खेती होती है? तो कपास की खेती होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, तितली कंजर्वेटरी पार्क की आधारशिला रखी गई है किस राज्य में रखी गई है? नंबर एक हरियाणा, नंबर दो मध्य प्रदेश, नंबर तीन उत्तर प्रदेश, नंबर चार राजस्थान। तो तितली कंजर्वेटरी पार्क की जो आधारशिला रखी गई है वो रखी गई है हरियाणा में। याद रखिएगा, तितली कंजर्वेटरी पार्क की आधारशिला कहाँ रखी? तो हरियाणा में रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक समान समय पर तूफान आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? एक समान स्थानों पर तूफान आने वाले, देखिए ऐसे स्थान जहाँ पे एक ही समय में तूफान आता है, तो उन स्थानों को मिलाएं हम तो वो जो रेखा जो कहलाएगी वो किस नाम से जानी जाएगी? जो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं, एक सी वर्षा वाले स्थान, एक सी ऊंचाई वाले स्थान, ये है आपका एक से तूफान वाले स्थान। तो एक समान तूफान आने पर स्थानों पर मिलाने वाली जो रेखाएं होती है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं आइसोब्रांट। एक समान समय पर तूफान आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोब्रांट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? नंबर एक प्रशांत महासागर, नंबर दो हिंद महासागर, नंबर तीन अटलांटिक महासागर, या बंगाल की खाड़ी? तो सेशेल्स द्वीप हिंद महासागर में है। हमारा ये भारत है, भारत के जस्ट नीचे यहाँ पे हिंद महासागर है और यहीं पे ही सेशेल्स द्वीप पाया जाता है। याद रखिएगा, एक मेडागास्कर भी आता है कि मेडागास्कर कहाँ पे है, तो वो भी हिंद महासागर में है। और सेशेल्स द्वीप का अगर पूछा जाए तो सेशेल्स द्वीप भी आपका कहाँ पे है? हिंद महासागर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित
भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया? भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत को रीड ने प्रतिपादित किया। किसने प्रतिपादित किया? रीड ने प्रतिपादित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनोरोन मरुस्थल किस देश में है? सोनोरोन मरुस्थल किस देश में है? तो सोनोरोन मरुस्थल किस देश में है? नंबर एक मैक्सिको, नंबर दो चिली, नंबर तीन रू। तो सोनोरोन जो मरुस्थल है वो मैक्सिको में है। याद रखिएगा, सोनोरोन मरुस्थल कहाँ है? तो सोनोरोन मरुस्थल मैक्सिको में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा स्टेगलेमाइट कंदरा स्तंभ आदि स्थलाकृतियों का निर्माण होता है? पवन के द्वारा, नदी के द्वारा, भूमिगत जल के द्वारा? तो जो स्टेगलेमाइट कंदरा स्तंभ स्थलाकृतियाँ बनती, स्थल में जो आकृतियाँ बनती हैं उसको स्थलाकृतियाँ बोलते हैं। तो इसका जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? तो इसका जो निर्माण होता है वो भूमिगत जल के द्वारा होता है। याद रखिएगा, स्टेगलेमाइट स्थलाकृतियों का जो निर्माण होता है वो भूमिगत जल के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में लावा निर्मित मैदानों में, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि लावा निर्मित मैदानों में किस फसल की खेती होती है? तो वो कपास की खेती होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित धान्य है जो मानव ने बनाई है? ऐसी धान्य कौन है? तो पहला है बोना गेहूँ, संकर मक्का, सोयाबीन या टिट्री केल। तो टिट्री केल एक ऐसी धान्य है, ऐसी फसल है जो कि मानव निर्मित धान्य है। तो याद रखिएगा, टिट्री केल क्या है? मानव निर्मित धान्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंतकालीन गेहूं की खेती कहाँ की जाती है? बसंतकालीन गेहूं की खेती कहाँ की जाती है? भारत और पाकिस्तान में, इंडोनेशिया में, दक्षिण अफ्रीका में, या रूस और कनाडा में? तो बसंतकालीन गेहूं की खेती रूस और कनाडा में की जाती है। याद रखिएगा, बसंतकालीन गेहूं की खेती कहाँ की जाती है? तो रूस और कनाडा में की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। इसके ऐसे ही जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और जो आने वाले एग्ज़ाम में हमारे आ सकते हैं, वो मैं आपको ऐसे ही कवर कराती रहूँगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे कि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ और जो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पिछले एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं और इनके आने वाले एग्ज़ाम में आने की भी बहुत ज़्यादा संभावना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक।